हेलो एवरीवन वेलकम टू आईएफएस तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से तो सभी लोग ज्वाइन हो जाओ जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ क्योंकि आज हम देखने वाले हैं आपके डिमांड पे ही ये एक्चुअली टॉपिक मैंने चूज़ किया हुआ है क्योंकि जब भी हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ का जो लेक्चर सीरीज़ चल रही थी तो वहाँ पे आप लोग बोल रहे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करवा दो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करवा दो तो वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आ मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ सो आई एम वेरी एक्साइटेड मैम फॉर दिस लेक्चर आशुतोष मौर्य ओके हेलो मैम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रंजना आ गए आप ठीक है चलो तो जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर कर दो ये जो सेशन है जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप अपने जो भी इस सेशन की लिंक है वो ऐड कर दो जिससे बहुत सारे लोग ज्वाइन हो जाए और फिर हमें भी मज़ा आ जाएगा जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो सॉल्व करने के लिए और जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं सभी लोग सबसे पहले लाइक करो इस सेशन को ठीक है क्योंकि आपके डिमांड पे देखो आपके डिमांड पे मैं जो सेशन लाती हूँ जो आप बोलोगे वही हम यहाँ पे करवाएंगे जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने चूज किया हुआ है क्योंकि आपकी भी डिमांड थी प्लस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैम केमिस्ट्री में एटलीस्ट थ्री टू फोर क्वेश्चन आप कॉर्डिनेशन केमिस्ट्री से टारगेट कर सकते हो ठीक है मतलब फाइव टू सिक्स मार्क आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री परफेक्ट कर सकते हो हम इस लेक्चर सीरीज में यही करने वाले हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का अगर कोई भी क्वेश्चन आए कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका सॉल्व होना चाहिए और इसमें थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है तो हम क्या करेंगे जनरली हम जो भी थेरी पढ़ते हैं ठीक है थीके? हम जो भी थेरी पढ़ते हैं तो उसमें बहुत लोगों को लगता है कि बस थे पढ़ रहे क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करें तो हर दिन ठीक है हर दिन हम जो भी थे पढ़ेंगे उसमें पांच प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ऐसे ही हम इस लेक्चर को एंड करने वाले हैं जैसे थेरी पढ़ेंगे और उसी के बेसिस पे पांच प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर इस लेक्चर को एंड कर देंगे ठीक है ऐसे हम यहाँ पे अब करने वाले हैं रंजना सिंह मैम उस दिन बेसिसिटी वाला देखना देखा आपने जो बोला था वही सही है मैम जो हमने बोला था वही सही हाँ हाँ वो सही है आपने जो बोला था उसमें पीके की वैल्यू के कंपैरिजन में आपका जो आंसर है वो सही है आ रहा है क्योंकि ये गेट में भी पूछा था आई आई के प्रोफेसर ने भी उसे ही माना था ठीक है ठीक है फाइन सो सॉरी फॉर सॉरी फ्रॉम माय साइड ये आपने जो बोला था आंसर जो पायरॉल एंड इंडोल का तो वहाँ पे आपका पायरॉल का ही आंसर सही है इंडोल का नहीं है ठीक है इंडोल नहीं है आपका पायरॉल का वेस्टरी ज्यादा आ जाता है ठीक है चलो तो सभी लोग ज्वाइन हो जाओ सबसे पहले ठीक है अपने फ्रेंड के साथ शे, शे, इस जो सेशन है वो शेयर करो क्योंकि आपके डिमांड पे ही ये मैंने टॉपिक चूज किया हुआ है दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ठीक है चलो स्टार्ट कर देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो लेक्चर रहने वाला है दैट इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ठीक है दैट इज नथिंग बट इंट्रोडक्शन पार्ट तो सभी लोग सबसे पहले ज्वाइन करो सेशन को और एक मिनट वेट करते हैं सभी लोग अपने ये जो सेशन है उसकी श, लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो कि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए ठीक है तो जल्दी से जल्दी शेयर करो सभी लोग और जो भी लोग ज्वाइन हुए हैं सबसे पहले लाइक करो इस सेशन को ठीक है क्योंकि आज हम बेसिक पार्ट देखने वाले हैं देखो इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखने वाले हैं ठीक है तो इंट्रोडक्शन में बहुत सारे कंसेप्ट है फॉर एक्जाम्पल जो मैं क्वेश्चन लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इंट्रोडक्शन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से अगर कोई सिंपल क्वेश्चन भी आए तो आपका होना चाहिए ठीक है आ, में आउटर आउटर का इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते लेकिन जितने क्वेश्चन हम मतलब इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता एक तो डिरेक्टली पूछ सकता है मैं आपको हिंट भी बता दूंगी सारा हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि जो भी इनस्पियर एंड आउटर आउटर्सपियर है फॉर एग्जाम्पल इनस्पियर तो आपका क्या करता है ब्रिजिंग लिगैंड के साथ है इतना भी अगर आपके लिए पता है तो दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर आई जाम ठीक है आई जाम में आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे वीबीटी से मिलेंगे हाइब्रिड मिलेगा फिर इसमें हम सी जो पढ़ते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म यहाँ से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं ज्यादा आपको डिटेल में वो नहीं पूछेगा क्योंकि सिलेबस में आपको इतना ही मेंशन किया हुआ है ठीक है चलो चलो गुड मॉर्निंग देन गुड मॉर्निंग रंजना गुड मॉर्निंग आशुतोष गुड मॉर्निंग अनीता अमित हाँ मैम इसीलिए बोला था आई में जाना छोड़ दिया ओके ओके फाइन फाइन ठीक है ठीक है आपकी बात सही है आ, मेरी मिस्टेक हो गई जहां पे मैंने आयर इंड में कंफ्यूज कर दिया ठीक है लेकिन आपको बहुत अच्छी बात की आपको कॉन्फिडेंस है कोई भी आए हाँ ये आंसर होने वाला है दैट्स इट हमें पता है मैंने सॉल्व किया है मैंने आ, कहा से भी देखा है डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस आपका मैटर होने वाला है जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है चलो स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी डिले सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये एक टाइप ही है आपका एडिशन कंपाउंड का तो एडिशन कंपाउंड को आप मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी बोल सकते हो तो इसमें दो टाइप आते हैं और इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा सकता है अगर नहीं भी पूछा जाए तो कंसेप्ट तो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है ठीक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होता क्या है तो सबसे पहले अगर आप देखोगे टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड में आपके आते हैं दो ठीक है टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड में आपके आते हैं दो इसमें हम दो दो पढ़ते हैं जहां पे एक होता है आपका डबल सॉल्ट एक होता है आपका डबल सॉल्ट ठीक है और एक होता है आपका जहां पे हम पढ़ते हैं दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब हम देखेंगे कि यहां पे किसको हम डबल सॉल्ट बोलेंगे और किसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे ठीक है थैंक यू सो मच ओके फाइन सो किसको हम डबल सॉल्ट बोलेंगे किसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे ठीक है अब इसमें अगर आप देखोगे तो सिंपल से बात है आपको एक ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो कंपाउंड है डबल सॉल्ट हो या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या एडिशन कंपाउंड है एडिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्ट है फॉर एग्जाम्पल के सी एल है एम जी सी एल टू है कोई भी सॉल्ट है अगर वो एडिशन होके कंपाउंड बना रहा है उस दोनों का एडिशन होके स्टाइचोमेट्रिक रेशियो

इस, इसमें अगर आप देखोगे डबल सॉर्ट डबल सॉर्ट का मतलब होता है कार्नालाइट फॉर एग्जाम्पल ठीक है कार्नालाइट का एग्जाम्पल लेते हैं तो वो अपने क्या कर देता है अपने प्रॉपर्टीज जो है जो वाटर में डिजॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद अपने प्रॉपर्टीज क्या कर देता है रिटेन रख देता है रिटर्न जस्ट अ मिनट कार्नेलाइट है मतलब के सी एल एम जी सी एल टू डॉट सिक्स टू ठीक है तो इसमें अगर आप देखोगे ये के प्लस का देगा ये सी एल माइनस का मतलब अपने प्रॉपर्टी लूज कर देता है सॉरी फॉर दिस अपने प्रॉपर्टी क्या कर देता है लूज कर देता है लूज ए प्रॉपर्टी इन एक्वीअ सोल्यूशन एक्वियस सोल्यूशन अब इसका मतलब क्या है देखो लूज इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है आ, ब्रेक इन आयंस ब्रेक इन सही बात है मैम मा, आप दिल की बहुत बहुत अच्छी है ओके ओके फाइन थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट चलो अब आगे देखते हैं डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है देखो डबल सॉल्ट का मतलब होता है कि इट विल लूज प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है कार्नालाइट या आपका क्या है कार्नालाइट ठीक है आप कार्नालाइट ले सकते हो मोहर सॉल्ट ले सकते हो एंड पोटेशियम ले सकते हो मैं सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ कार्नालाइट का कार्नालाइट आपका कैसा बनता है केसीएल डॉट एमजीसीएल टू इसका मतलब केसेल आपका एक सॉल्ट है एम जी सी एल टू आपका एक सॉल्ट है ठीक है एम जी सी एल टू अपना एक सॉल्ट है तो दोनों सॉल्ट ऐड होकर आपका कंपाउंड बन रहा है डबल सॉल्ट ठीक है मैम टाइम चेंज करवा दो बताओ कितने टाइम पे आप ये लेक्चर ठीक है आप बताओ अपना कंफर्टेबल टाइम भी बता सकते हो ठीक है आप पर, अपना कंफर्टेबल टाइम भी बता सकते हो जिसमें आप लेक्चर सही से लाइव लेक्चर अटेंड कर सको ठीक है देखो के सीअर एंड एमजी सी तो ये क्या करेगा ये जब वाटर में डिजोल्व कर दोगे ये जब आप वाटर में डिजोल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है आपका ये के प्लस आयन देगा सी एल माइनस देगा एम जी टू प्लस देगा अब ये सी एल माइनस यहाँ पे लिखा है तो सी एल माइनस देगा तो ये क्या कर रहा है ये अपना जो कंपाउंड है ब्रेक इन टू ठीक है मैम इवनिंग में ले लीजिएगा क्लास सेवन एम नहीं मैम प्लीज यही सही है ओके okay, ठीक uh, no है ग्यारह बजे हम नो मैम परफेक्ट टाइम है प्लीज यही टाइमिंग सही है ओके ओके फाइन चलो तो यहां पे अगर देखो के प्लस एंड सी एल माइनस है ठीक तो ये क्या कर रहा है अपना जो भी कंपाउंड है वो अपना ब्रेक हो रहा है आयंस में इसका मतलब अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है वो वाटर में डिजोल्व करने के बाद क्या कर रहा है लूज कर रहा है ठीक है लूज कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट डबल सॉल्ट मतलब क्या होगा कि वो कंपाउंड वो एडिशन कंपाउंड्स कंपाउंड जो वाटर में डिजोल्व करने के बाद अपनी खुद की प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं ठीक है दैट इज नथिंग बट आपका ये रहेगा डबल सॉल्ट इसमें आप कार्नालाइट लिख सकते हो पोटेशियम लिख सकते हो मोहर सॉल्ट लिख सकते हो ठीक है तो यहां पे देखो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या कर देता है रिटेन देयर प्रॉपर्टी ये क्या कर देता है रिटेन देयर प्रॉपर्टी अब इसका मतलब क्या है रिटेन देयर प्रॉपर्टी इन एक्वेस्ट सोल्यूशन इसका मतलब क्या रहेगा सिंपल सी बात है आप कोई भी कॉम्प्लेक्स ठीक है आप कोई भी कॉम्प्लेक्स मान लो आप वाटर में डिजोल्व कर लेते हो सिंपल सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं कॉपर एच टू ओके एच टू से अच्छा हम NH3 ले लेते हैं ठीक है आप एच भी ले सकते हो लेकिन मैं NH3 लेती हूँ एनएच थ्री सिक्स एंड सी एल टू है मान लो ठीक है ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल लेके अब ये कॉम्प्लेक्स हमें क्या लगेगा अगर वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करता है इसका मतलब आपका ये कॉपर टू प्लस एन एच थ्री NCL, CL के लिए तो देगा नो no डाउट लेकिन कॉपर एन एनस्त्री के लिए प्रॉपर्टी नहीं देगा क्योंकि ये आपका जो वॉटर में डिजोल्व कर लेते हो तो ये आपका स्पेसिस बनाता है ये कॉम्प्लेक्स स्पेसिस बनाता है ठीक है ये आपका बना देता है टू प्लस और ये टू सी एल माइनस तो ये अलग से आपका कॉपर एंड एनस्त्री में नहीं देगा तो इसका मतलब होता है कि वो अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी है जिससे वो कंपाउंड बना हुआ है वो अपनी प्रॉपर्टी क्या कर लेता है रिटेन रखता है जैसे है वैसे रख देता है दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सिंपल से ध्यान में रखना है देखो बहुत ही सिंपल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब क्या ध्यान में रखना है जहां पे भी कॉम्प्लेक्स दिखे आपको जहां पे भी कॉम्प्लेक्स दिखे फॉर एक्साम्पल जो ऑर्डिनेशन स्पीय होता है आयोनाइजेशन स्पीय होता है कॉर्डिनेशन नंबर होता है ऐसे जब भी आपको कहाँ पे दिख जाए वो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट मतलब क्या हो जाएगा जो आपका दो सॉल्ट से बना है फॉर एग्जाम्पल एफ ई एसओ फोर एंड एन एच फोर ट्वेल्स एसओ फोर जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम पोटेशियम मोहर सॉल्ट सॉरी मोहर सॉल्ट तो ये भी आपका क्या हो जाएगा डबल सोल्ट में आ जाएगा जहां आपको डबल सॉल्ट का एडिशन दिख जाए सोल्ट का एडिशन दिख जाए दो सोल्ट का डबल सॉल्ट कर दो और ये इसका बस इतना ही इंपॉर्टेंट है आपका सबसे पहले पॉइंट में सिक्स रहेगा हाँ सिक्स ही कर दिया मैंने नॉट ब्रेक इन टू कॉम्प्लेक्स सही बात है आशुतोष प्लीज भाई हम विनती करते हैं आपसे मैम मेरी क्लास बी की होती है ठीक है अब गया इस टाइम पे मेरी मैथमेटिक्स की क्लास चलती है मैम ओके अब सभी लोगों का तो टाइमिंग एक पॉइंट मतलब एक टाइमिंग सेम नहीं हो जाएगा तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको लेकिन अगर आपकी डिमांड है तो मैं सुबह भी लेक्चर लग सकती हूँ अगर आपकी डिमांड है तो आप बता सकते हो बिफोर टेन भी हम लेक्चर लग सकते हैं आठ बजे तो आठ बजे भी रख सकते हैं बस आपका आठ नौ बजे जो भी आपका रहेगा मैम ठीक है चलो आगे देखते हैं देखो ये वाला हो गया अब इसके देख लेते हैं आगे दैट इज नथिंग बट वॉट अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है तो कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप ले सकते हो तो यहाँ पे हम देखेंगे दैट इज नथिंग बट टर्म्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अब बहुत सारी टर्म्स होती है ठीक है बहुत सारी टर्म्स होती है सेवन ए एम ओके इतनी जल्दी उठते भी हो या बस सेवन ए एम कर दिया आपने फिटकरी भी हाँ फिटकरी जिसको आप बोलते हो पोटैशियम। ध्यान में रखना का मतलब क्या होता है देखो आपको बता देती हूँ कैसे याद करना है देखो पोटैश right? अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है ठीक है किसी को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तो बहुत सिंपल है देखो पोटैश का मतलब होता है के ठीक है पोटैश मतलब के दैट इज पोटैशियम राइट और एलम में से पहले से एल उठा दो ठीक है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिंपल सी बात है सल्फेट लिखना है आपको के टू एस फोर हो जाएगा इसका सल्फेट लिखोगे तो ए एल टू एस फोर हो जाएगा जस्ट अ मिनट ये वाला हो जाएगा ए एल टू एस फोर राइट जस्ट सेक ओके तो ये हो जाएगा ए एल टू एस फोर हो जाएगा और फिर आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ट्वेल्व एच टू आ जाता है राइट ट्वेंटी फोर हो गया ट्वेंटी फोर एच टू आ जाता है ट्वेंटी फोर एच टू आ जाता है ठीक है ऐसे याद कर सकते हो इसको के टो एसो फोर एल फोर एस फोर एल टू ओ थ्री थ्राइस आ जाता है ए एल टू ओके जस्ट अ मिनट ये आपका आ जाएगा कुछ इस तरह से ए एल का थ्री प्लस एस ओ फोर का टू प्लस मतलब ये आपका थ्री आ जाएगा ठीक है चलो uh, रंजना आपने जो बता दिया उसमें सही से चेक करना ए एल टू होगा और एस ओ फोर थ्री होगा क्योंकि ए एल आपका क्या करेगा ट्वाइस ए एल थ्री प्लस में जाएगा और ये आपका थ्री एसओ फोर टू माइनस में जाएगा इसका मतलब SO4 को ब्रैकेट थ्री होगा नॉट टोटल स्पेस भाई स्पेसोन हमें उठते हैं हम इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म ब्लू आप आ गए ठीक है आ गए आप क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में आपके लिए मैंने क्वेश्चंस भी लेके आई थी सॉल्व भी किए थे और आप आए नहीं ठीक है आप आए नहीं ठीक है चलो आगे देख लेते हैं दैट इज नथिंग बट इम्पोर्टेंट टर्म्स अब इम्पोर्टेंट टर्म्स में क्या देखना है देखो ब्लू uh, अगर आप रोज आएंगे तो डेफिनेटली रिएक्शन मैकेनिज्म भी हम कवर कराएंगे ठीक है अभी अगर टाइम ज्यादा अगर टाइम थोड़ा सा बच्चा और तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म आउटर इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स ये सारा हम कवर करेंगे डोंट वरी ठीक है बस आप आ जाना मैं पढ़ा रही हूँ तो आप आ जाना ठीक है

सिंपल सा हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो ऑलरेडी मैंने लिया था कॉपर एन एच थ्री सिक्स एंड सी एल टू लेती हूँ मैं ठीक है देखो एक ही कॉम्प्लेक्स में सारा पढ़ाने वाली हूँ मैं सबसे पहली चीज ठीक है सबसे पहली चीज आपका जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है हमेशा ध्यान में रखना वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स आती है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन ठीक है तो ये जो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर

ठीक है दो हमने देख ली अब देख ले आगे दैट इज नथिंग बट कौन से वाली कौन से वाले टर्म देख लेते हैं अब देख लेते हैं सिंपल सेंट्रल मेटल एटम ठीक है देखो say, ये क्या है आपका कॉपर है दैट इज सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम लिख देते हैं ठीक है सेंट्रल मेटल एटम ठीक है फिर आपका जो nh3 थ्री है देखो एनएच थ्री जो है दैट इज नथिंग बट लीगल इसको हम बोलेंगे ठीक है अब है अब सिक्स देखो देखो सही से देखो, मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ कि लेविस एसिड क्या होता है लेविस बेस क्या होता है ठीक है आप ही लोग मुझे बताओगे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कॉपर आपका क्या है सेंट्रल मेटल एटम है और यहां पे सिक्स सिक्स देखो आपके कॉपर के अराउंड है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये आपका इस तरह से रहने वाला है ठीक है एनएच थ्री क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कॉपर को डोनेट कर देगा ठीक है, NH3 क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन uh, इस कॉपर को डोनेट कर देगा अब ऐसे दिखा देती हूं इसका मतलब कॉपर के अराउंड कितने मॉलिक्यूल्स है सिक्स उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स द सेंट्रल मेटल एटम दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है अब यहाँ पे सिक्स है तो ऑक्टाहाइड्रल आ जाएगा जैसे अमित कुमार ने बता दिया देखो ठीक है अमित कुमार ने बता दिया ऑक्टाहाइड्रल आ जाएगा उसके पहले मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि बाबा सेंट्र, आप सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड जो है उसमें कौन से वाले लेविस एसिड होगा कौन सा वाला लेविस बेस होगा चलो ये बता दो मैम एक्सेप्टर लिगैंड समझाइएगा हाँ हर एक कंसेप्ट को पढ़ाएंगे डोंट वरी जब हम लिगैंड का टोटल क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी आप बस प्रेजेंट रहना ब्लू ठीक है चलो ये वाला बता दो कि सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, अदरवाइज मान लो सेंट्रल मेटल एटम है वो लेविस एसिड होगा या लेविस बेस होगा? सिंपल क्वेश्चन है ये, लेविस एसिड होगा या लेविस बेस होगा बताओ देखते हैं क्या आंसर आ जाता है कॉपर एसिड होगा एनएच थ्री बेस होगा कॉपर क्या होगा एसिड होगा एन बेस होगा देखो लेविस एसिड एंड लेविस बेस के दो दो कंसेप्ट आते हैं लेविस एसिड इसका मतलब वो क्या कर लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्ट कौन कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट आपका सेंट्रल मेटल एटम कर रहा है इसका मतलब ये आपका क्या है लेविस एसिड है ठीक है और लिगेंड क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है इसका मतलब होता है ये है आपका लेविस बेस क्योंकि ये क्या कर लेता है डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक है देखो एक में ही हमने सारा पढ़ लिया है ठीक है एक में ही हमने सारा पढ़ लिया है तो आप लोग अभी बताओ कि क्लियर है आपको यह सारी चीजें जो कंसेप्ट मैंने बता दिया को है कोऑर्डिनेशन आप काउंटर आयन भी बोल सकते हो ठीक है तो यहां तक क्लियर है बताओ बहुत अच्छे बहुत अच्छे आप लोगों का सभी लोगों का सही आंसर आया हुआ है अमित कुमार ने भी बता दिया है लेविस एसिड क्या होता है लेविस बेस क्या होता है अनुराग तिवारी बोल रहे क्लियर है, है मैम बाकी बताओ बाकी ब्लू अमित कुमार अर्चना रंजना अर्चना रंजना ओके ठीक है चलो बता दो यहाँ क्या होगा मतलब यहाँ तक क्लियर है आपको इतना बता दो हम चलते हैं फिर आगे ठीक है अगर कुछ भी डाउट है बेसिक सा भी अगर कुछ डाउट है आप पूछ सकते हो ठीक है जैसे ब्लू ने डाउट पूछे हैं हाँ ठीक है ब्लू ने जो भी डाउट पूछे हम आगे जैसे जैसे जाएंगे कवर करते जाएंगे उसको क्लियर मैम अर्चना भी बोल रही है कॉपर टू प्लस मोर पोलराइजिंग करेंगे ना कॉपर टू प्लस मोर पोल ओके पोलराइजिंग एंड पोलराइजिलिटी इज टोटल डिफरेंट थिंग ठीक है आप अगर आप पोलराइजिंग एंड पोलराइजिलिटी के बारे में देखना चाहते हो तो आप फजान रूल पढ़ सकते हो फजान रूल में क्या बताता है बाबा फजान रूल में बताता है कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपका कोवरण कैरेक्टर के बारे में बताता है वहां पे आपका पोलराइजिंग वाला कंसेप्ट आ सकता है ठीक है यहाँ पे आप यहाँ पे आप क्या बता रहे हो कि पोलराइजिंग वाला कंसेप्ट है लेकिन ठीक है हम यहाँ पे जनरली पोलराइजिंग वाला कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे ठीक है यहाँ पे बस हम करेंगे कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी क्या क्या है ठीक है चलो ब्लू ने बता दिया था क्लियर है लेकिन फिर डिलीट कर दिया है ठीक है फाइन रंजन ब्लू कुछ डाउट था तो पूछ सकते हो रंजना हंस रही है बताओ किस पॉइंट पे हंस रहे हो आप चलो आगे चल लेते हैं टर्म्स हमने देख लिए हैं अब चलते हैं आगे जहाँ पे वेर्नर देखेंगे। वेर्नर थ्योरी थ्योरी देखेंगे से क्वेश्चन आते हैं ठीक है ठीके? वेर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बताऊंगी मैं आपको सबसे पहले समझ लेते हैं वेर्नर थ्योरी क्या होती है वेर्नर ने क्या किया वेर्नर, वेर्नर इज द फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट देखो ये जो आपका वेर्नर है दिस इज द फर्स्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट जो नोबेल प्राइज विन किया था मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फर्स्ट नोबेल प्राइज प्राइज ने विन किया हुआ है देखो नोबेल इन 1930 सॉरी 1930 थर्टीन राइट नाइनटीन थर्टीन में तो मैम पूरा कोवेलेंट होगा क्या नहीं यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट बोले देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आप बता देते चलो कोऑर्डिनेट के बारे में बता देते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है देखो कॉपर है और यहाँ पे मान लो एनएस है एनएच थ्री क्या कर रहा है एनएस थ्री अपने जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है आपके पास वो अपने पास भी दे रहा है और ये डोनेशन भी कर रहा है कॉपर को मतलब सेंट्रल मेटल एटम को इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड चलो इससे भी सिंपल एग्जांपल दे देते हैं ठीक है सिंपल एग्जांपल दे देते हैं कॉम्प्लेक्स बिटवीन बी एच थ्री बी एफ थ्री एंड एनएच थ्री अब देखो एनएच थ्री के पास क्या है लोन पेयर है अब यहां पे जो अभी आपके एनएच एनएच बी एफ बी एफ बी एफ जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट यहां पे क्या हो रहा है नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन को डोनेट कर रहा है ठीक है बोरोन को डोनेट कर रहा है तो इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कर रहा है नाइट्रोजन क्या कर रहा है बोरोन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेट कर रहा है इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और शॉर्ट में हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ठीक है इलेक्ट्रॉन दे रहा है लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो आपका बॉन्ड बन जाता है वो म्यूचुअल शेयरिंग से बन जाता है नहीं ये आपका जो बॉन्ड बनता है ऐसे बता सकते हो अमित कुमार बी एफ थ्री के पास आप डेफिनेटली बी एफ थ्री आपका क्या है इलेक्ट्रोफाइल है इसका मतलब लेविस एसिड है क्योंकि उसके पास वैकंड पेयर बेटल है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है ठीक है चलो यहाँ पे आगे देख लेते हैं वेर्नर थेरी। तो वेर्नर के बारे में एक सबसे बात है आपको कि वेर्नर इस इन प्राइज इन इससे कोई क्वेश्चन आ सकता ठीक है अब यहाँ पे देखते हैं आगे वेर्नर थे होती क्या है तो वेर्नर थे आपको दो इंफॉर्मेशन दे देती है सबसे पहले तो इन वेरनर ने क्या किया जो कॉम्प्लेक्सेस है इसके कोबाल्ट थ्री क्लोराइड विद अमोनिया ठीक है अमोनिया इसके चार कॉम्प्लेक्स उन्होंने उन, स्टडी किए हैं ठीक है चार कॉम्प्लेक्स इसने स्टडी किया है दैट इज नीओ सी एच थ्री मतलब जो भी आपका कोबार्ट का कॉम्प्लेक्स है और सी एल थ्री का फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो सी ओ सी एल टू अब यहाँ पे मैं कोबार्ट का को कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ डिरेक्टली ठीक है डिरेक्टली कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ ये आपका हो जाएगा एन एच थ्री सिक्स सी एल थ्री हो जाएगा फिर क्या किया इसने सी एन एच थ्री है तो यहाँ पे फिर सी एल ए कैड कर दिया है फिर फोर कर दिया ऐसे भी कर सकता है लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा ये कॉम्प्लेक्स स्टडी किया और इससे कॉम्प्लेक्स पे उन्हें क्या पता चला कि इससे पता चला कि कोई भी मेटल एटम है वो दो वैलेंसी पोजेस करता है जस्ट ए मिनट वेनर थेरी से गेट में न्यूमेरिकल भी पूछा था वो भी करवाएगा प्लीज ठीक है ठीक है आज तो न्यूमेरिकल वो मैंने लेके नहीं आयो लेकिन हम करवा देंगे उसमें मुझे पता है कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा था एक्जैक्टली exactly वैल्यू पता नहीं है लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि बाबा कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर आपको दिया है तो उसका प्रेसिपिटेशन किया एजडे नो थ्री के साथ तो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एज डे बनेंगे ऐसा कोई क्वेश्चन उसमें पूछा था गेट में अमित कुमार ने बता दिया देखो अमित कुमार बता रहे कि टू टाइप्स ऑफ पेरेंसी के बारे में आपको वेना ने बता दिया ठीक है तो टू टाइप बैलेंस में सबसे पहले आपका आता है प्राइमरी बैलेंस और सेकेंड हम पढ़ते हैं अब ये बहुत simple है इसमें बस इतना ही करवाना है आपको कि प्राइमरी वैलेंस इज रिलेटेड टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम ठीक है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम सेंट्रल मेटल Atom. ठीक है और सेकेंडरी वैलेंस आपको बताया था है आप बाकी हो देखो नंबर के बारे में बता हो तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया है वही कॉम्प्लेक्स मैं ले लेती हूँ ऐसा नहीं कि वही कॉम्प्लेक्स मुझे याद है बाकी कोई भी कॉम्प्लेक्स आप ले सकते हो ठीक है यहाँ पे ले लेती हूँ मैं एन एच थ्री सिक्स सी एल टू चलो अब देखो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंस जो है प्राइमरी वैलेंस क्या करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ डील करता है अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्पेयर तो आपके पास है आयोनाइजेशन स्पीयर में कितने लिगैंड सॉरी आयोनाइजेशन स्पेयर में कितने काउंटर आयन है उस पर आपका डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ मान लो चलो ये दो कॉम्प्लेक्स लिख देती हूँ मैं NH3 6 कर दिया और Cl3 कर दिया अब जैसे सीएल टू है इसका मतलब क्या होगा कॉपर की यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी प्लस टू और जब सीएल थ्री आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स के क्या होने वाली है सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है प्लस थ्री इसका मतलब क्या होगा सीएल टू आपका जो है मतलब आयोनाइेशन स्पीयर में जो प्रेजेंट है इट विल डिटरमाइन द प्राइमरी वैलेंस तो प्राइमरी वैलेंस क्या हो सकती है आयोनाइेबल हो सकती है देखो प्राइमरी वैलेंस क्या हो सकती है आयोनाइजल हो सकती है समझ में आया याद करना नहीं है कोई कि हाँ ये आयोनाइजेबल होता है नॉट आयोनाइजेबल ये डायरेक्शनल ये नॉट डायरेक्शनल ऐसे याद नहीं करना है आपको समझना है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है आयोनाइजेशन स्पीयर में जैसे आप यहाँ पे काउंटर आयन बढ़ाते जाओगे वैसे आपका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता जाने वाला है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होने वाला है आयोनाइजेबल होने वाला है सेकेंडरी बैलेंस क्या बताता है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखोगे तो ये फिक्स है एक तो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स तो होगा एक तो फोर तो होगा ठीक है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स फिक्स है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका जो है नॉन क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के डेफिनेशन में ही हमने देखा हुआ है कि दिस इज नॉन आयोनाइजेबल चलो यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया नॉन मी जैसन मिनट चलो नॉन आयोनाइेबल हो जाएगा ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो 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 है six, six ligands है, जो आपके NH3 जो है वो आपका आपका आपके वो टोटल से, से, मेटल के मतलब में क्या हुआ हुआ है हुआ है ठीक मतलब ये क्या है डायरेक्शनल इन नेचर है और ये अगर आप देखोगे तो नॉन डायरेक्शनल नेचर है ऐसा भी आप लिख सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट बस यही दो पॉइंट है कि आपका प्राइमरी वैलेंस डील करता है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ

Second, देखा कि उसमें हेक्जागोनल देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स ट्राइगोनल प्रिजमेटिक हो सकता है प्लेनर हो सकता है ठीक है और फिर लास्ट में आपका ऑक्टाहेड्रल भी हो सकता है तो ये तीन उन्होंने पहले डिसाइड किए थे फिर उनके जो एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि बाबा ऑक्टाहेड्रल परफेक्टली मैच हो रहा है देखिए ऑक्टाहाइड्री परफेक्टली मैच हो रहा है तो हम जनरली क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स के बारे में हम यहाँ पे ऑक्टाहाइड्रल मोलिकुलर जोमेट्री कंसिडर लेते हैं जब चार आता है तो वहां पे भी दो डिफरेंट आते हैं एक आएगा आपका स्क्वायर प्लेनर ठीक है और एक आएगा आपका टेट्राहाइड्रन और ये भी आपको वेर्नर ने बता दिया वेर्नर ने क्या किया ये कॉम्प्लेक्स ले लिया ठीक है वेर्नर ने क्या किया ये कॉम्प्लेक्स ले लिया और फिर बता दिया कि बाबा ये कॉम्प्लेक्स में भी आपको दो कंपाउंड मिल रहा है ये कॉम्प्लेक्स में भी आपको दो कंपाउंड मिल रहा है तो ये आपका कैसे होगा तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर आ जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको वेरनर ने दिया हुआ है ठीक है तो क्वेश्चन कैसे आते हैं एविडेंस पे क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स पढ़ लेते हैं थोड़ा सा uh, से टू टाइप ऑफ अमित कुमार बहुत अच्छी बात है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंस अनुराग तिवारी ने बता दिया है ड्यू टू मोर पॉजिटिव चार्ज ऑफ कॉपर इट्स बिहेव एज हार्ड एसिड ओके okay, अगर आप डोंट वरी आपको इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी कंसेप्ट आती है इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी प्रिंसिपल वो भी कवर किया जाएगा ठीक है वहां पे भी है, आ, आप जो बोल रहे हैं दैट इज बिलोंग्स टू इलेक्ट्रो न्यूट्रेलिटी प्रिंसिपल मैम लास्ट में क्वेश्चन भी ले लेना प्लीज इस टॉपिक के हाँ डेफिनेटली लेने वाले हैं तो आज तो थोड़ा सा आज तो देख लेते हैं ठीक है आज मैंने क्वेश्चन सारे जितना भी पढ़ाना है उससे रिलेटेड लाए हैं लेकिन आज ग्यारह बजे धीरे सर का लेक्चर है तो आज थोड़ा सा देख लेते हैं एक तो क्वेश्चन हम कवर कर ही लेंगे डोंट वरी ठीक है चलो तो इसके बारे में फिर आगे पढ़ते हैं कि बाबा किस क्या है इविडेंस इन फेवर ऑफ वेरनर थे तो थेरी तो आई लेकिन ऐसे कैसे पता चलेगा चलेगी वेरनर उसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स आ, इन रिजल्ट दिए होंगे हंड्रेड परसेंट करेक्ट हो गए अब यहाँ पे देखो वेरनर ने पहला जो एविडेंस आया है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्सपेरिमेंट ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट लिख सकते हो आप ठीक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट ठीक है डोंट वरी इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल भी हम कव, क, कल कवर कराएंगे ठीक है आज तो नहीं हो पाएगा लेकिन कल हम जरूर कर, कवर कराएंगे क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आप नोट no डाउन कर लेना कल के लेक्चर में हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेजरमेंट बहुत सिंपल है देखो सिंपल है यहां पे सी ओ एन एच थ्री सिक्स सी एल थ्री मान लो ठीक है सेकेंड मेरे पास है सी ओ एन एच थ्री फाइव सी एल सी एल टू है मान लो ठीक है ठीक है फिर आपने सी ओ एन एच थ्री फोर सी एल टू सी एल है मान लो ठीक है और सी ओ एन एच थ्री थ्री सी एल थ्री है मान लो ठीक है ये चार कॉम्प्लेक्स मैंने लिखे हुए हैं अब उन्होंने क्या देखा कि बाबा ये चार कॉम्प्लेक्स के हिसाब से जो उन्होंने बताया प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट कोऑर्डिनेशन नंबर उसके साथ ये परफेक्टली मैच हो रहा है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आप देखोगे फिक्स है सारे में तीन प्लस तीन सिक्स फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन सिक्स और सिक्स तो कोऑर्डिनेशन में तो फिक्स है अब यहाँ पे आप आप क्या कर सकते हो हर एक के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल सकते हो देखो हर एक के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे इसकी प्लस थ्री आ जाएगी इसकी देखोगे इसकी भी प्लस थ्री आ जाएगी इसकी भी प्लस थ्री आ, आ जाएगी और इसकी भी प्लस थ्री आ जाएगी तो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स कर दिया

ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से ठीक है तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स में उन्होंने देखा कि बाबा कंडक्टेंस है अब कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे ठीक है नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है अब यहाँ पे पहला कॉम्प्लेक्स डिजोल्व करने के बाद उसको मिले फोर आयंस ठीक है नंबर ऑफ आयंस फोर सेकेंड में पता चला कि तीन आ रहे थर्ड में पता चला दो आ रहे लास्ट में पता चला एक आ रहा है तो इसके अलावा जैसे कॉम्प्रेस पे कंडक्टेंस का एक्सपेरिमेंट करता गया तो उससे आपको पता चला कि नंबर ऑफ के साथ जो भी वेनर ने थेरी आ, आ, डिस्कवर की हुई वो किसेंट सही है और ये इसका एविडेंस है जैसे नंबर ऑफ बढ़ेंगे कंडक्टेंस आपका क्या होने वाला है बढ़ने वाला है जैसे नंबर ऑफ आयस बढ़ेंगे कंडक्टेंस बढ़ने वाला है ठीक है ये एक थेरी हमने देख ली अब इसी में सेकेंड वाली थेरी में बता देती हूँ सेकेंड वाली थेरी क्या आ जाती है सेकेंड वाली आती है प्रेसिपिटेशन प्रेसिपिटेशन ठीक है अब प्रेसिपिटेशन को कैसे बता सकते हो प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होगा अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सीएल कंसिडर कर रहे हैं ठीक है सीएल कर रहे हैं हैं तो हम क्या करते ये सारे कॉम्प्लेक्स क्या कर लेते हैं एजीएन थ्री में डिजोल्व कर लेते हैं क्यों एजीएन थ्री में करोगे क्योंकि एजीएन थ्री आपका इसके साथ एजी सी एल का प्रेसिपिटेट बना लेगा अब थ्री देखो थ्री सी एल माइनस है इसका मतलब यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ देखो थ्री सी एल माइनस है इसका मतलब ये क्या करने वाला है थ्री एजीसीएल के प्रेसिपिटेट थ्री मोल्स ऑफ एजीसीएल देने वाला है ठीक है यहाँ पे देखोगे ये टू मोल्स ऑफ ए जी सी एल देने वाला है यहाँ पे देखोगे वन मोल ऑफ एजीसीएल हो जाएगा और यहाँ पे देखोगे आपको प्रेसिपिटेट ही नहीं मिलेगा तो इससे भी आप क्या कर सकते हो ये जो कॉम्प्लेक्स की थ्योरी उन्होंने बना बताई कि प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस वो परफेक्टली सही है ठीक है वन इज ग्रेटर थ्री सही बात है देखो अमित कुमार ने बता दिया है नोबेल प्राइज में क्या मिलता है मैम साइंस वालों को नोबेल प्राइज में आपको क्या मिलता है चलो बता देते हैं नोबेल प्राइज जो है उसके बारे में थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है बता देते हैं आपको देखो नोबेल प्राइज जो होता है वो सिक्स कैटेगरी में दिया होता है अब अब आपको लगेगा कि बाबा ये लेक्चर जनरल नॉलेज का स्टार्ट हो गया ठीक है लेकिन आप, आपको आपको क्वेश्चन है तो मैं बता देती हूँ आपको कि क्या मिलता है नोबेल प्राइज सिक्स कैटेगरी में मिलता है एक फिजिक्स केमेस्ट्री देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी का मतलब है आपका मेडिसिन ठीक है मेडिसिन फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन हो गया लिटरेचर होता है इकोनॉमिक्स होता है एंड एक होता है पीस

ठीक है ऐसा मत बता देना स्वीडिश में टेन था आ, आ, टेन मिलियंस क्रोनॉफ मिल जाते हैं ठीक है ट्वेंट मिलियंस ऑफ मिल जाता है ठीक है तो वो डिपेंड करता है कि अगर वो अनशेयर्ड है तो टेन मिलियन एक को मिल जाएगा दो है तो टेन बाई टू फाइव मिलियन हो जाएगा फिर टेन बाई थ्री ऐसे आपका हो जाता है लेकिन ये आपकी कैटेगरी होती है जहां पे नोबेल प्राइज दिया जाता है ठीक है हाँ मैम इसलिए पूछा था ओके ठीक है फाइन ठीक uh, है चलो तो ध्यान में रखना चलो मैं बता देती हूँ क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं ठीक है थीके? आज का लेक्चर थोड़ा बेसिक होने वाला है तो चलो मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपको बताओ न्यू पीएम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन है बताओ चलो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इतना पता है ठीक है आपको पता है अमित कुमार रंजना ठीक है अनुराग ब्लू मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इतना तो पता है थोड़ा सा अपडेटेड तो डेफिनेटली आप रहा करो चलो आपको मैं क्या बताने वाली थी यहाँ पे चलो ये वाला बता दिया मैंने इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के बारे में ठीक है अरे बाप रे इतना इतना पैसा या, या इतना पैसा आ, एजी, नो, नोबेल प्राइज है वो नोबेल प्राइज एक बार मिले वह पूरे लाइफ में याद रहेगा आपको ठीक है चलो यहाँ पे देख लेते हैं आगे देखो सबसे पहले मैंने दोनों कंसेप्ट बता दिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स बता दिया प्रेसिपिटेशन बता दिया फिर और एक कंसेप्ट आता है दैट इज क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट देखो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मुझे ऐसा लगता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड आपको कल ही करवाना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत कुछ बताने को है और टाइम थोड़ा सा आपके हमारे पास कम है मैम क्वेश्चन क्या है देखो क्वेश्चन अभी तक क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं है डोंट वरी क्वेश्चन को एंड करके ही हम ये लेक्चर एंड करेंगे ठीक है देखो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट तो क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट मतलब क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अब डेफिनेटली आपने पढ़ा ही होगा पढ़ा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा होगा डिप्रेशन इन पॉइंट, ठीक है डिप्रेशन इन पॉइंट तो उन्होंने क्या देखा कि जितने नंबर ऑफ आय बढ़ रहे हैं उतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आ रहा है ठीक है डिप्रेशन मतलब कम हो रहा है ऐसा नहीं कि डिप्रेशन आ रहा है कम हो रहा है ठीक है तो ये भी आपको पता होना चाहिए डिप्रेशन प्रिजिम पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस तो ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए कि ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डिप्रेशन इन पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस और ये ऑलरेडी अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है ठीक है ये ऑलरेडी अपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पड़ा हुआ है चलो अब बता दो कुछ डाउट है आपको क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंट्स को जाने वाले हैं लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंट्स हम क्या कर देते हैं कल के लेक्चर में पूरा कवर कर देते हैं ठीक है क्योंकि आज 11 बजे तो लेक्चर है धीरे सर का तो कल हम क्या करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड में हर एक लिगैंड ड्रॉ करके हम देखने वाले हैं ठीक है ठीके? बहुत लोगों को समझ नहीं आता है कौन सा लिगैंड कैसा होता है फॉर एग्जाम्पल कोई नाम दिया है तो कैसे आपको डेंटिसिटी कैलकुलेट करनी होती है ये सारा हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में हम सारा पढ़ेंगे तो उसके पहले अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो अदरवाइज मैं एक ले लेती हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन ले लेते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहा पे गए हैं ओके okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम ये वाला चलो बेसिक क्वेश्चन है मुझे पता है आप लोग डेफिनेटली करोगे इसका आंसर देखते हैं लेकिन आंसर क्या आ जाता है ठीक है चलो सिंपल वाले क्वेश्चन है मैंने पहले ही बता दिया आज का लेक्चर बहुत बेसिक होने वाला है ऐसा ना हो जाए कि आपसे ही कुछ अलग से पढ़ाना स्टार्ट कर दो और बच्चे आने ही बंद हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने उनको लगेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत हार्ड है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बहुत ही सिंपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ठीक है डी बता, बता दिया है देखो डी बता दिया है रंजना ने अमित कुमार डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ओके ठीक है आपने अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी हुई है तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये सारा पॉइंट कवर करता है कि ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्या होता है सिंपल से बात है आप लिक्विड से सॉलिड में जाते हो उस उसमें जो आपका सब्सटेंस फ्रीज हो जाता है उस पॉइंट पे उस टेम्परेचर पर उसको हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर को हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ठीक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे क्योंकि वो घंटा ऑफ फैक्टर पे डिपेंड करता है जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जाएंगे आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है वो भी बढ़ता जाएगा और डोंट वरी ये आप क्वालिकव प्रॉपर्टी में डेफिनेटली पढ़ोगे अनुराग तिवारी ओके okay. डी 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 चलो सा, सारे लोगों ने आंसर बता दिया डी होने वाला है तो बता देते हैं देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है ठीक है ऐसा नहीं कि हाँ आई आई एग्जाम में ठीक है बोल सकते हैं जनरली इससे और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है मैंने बेसिक कवर किया हुआ है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रेसिपिटेट अगर किसी ने ये रीड नहीं किया होगा तो गए काम से ठीक है, ठीक है? चलो विल नॉट प्रेसिपिटेट एजीसीएल और एक बार कॉम्प्लेक्स ले देती हूँ आपके लिए ये होगा आपका कुछ इस तरह से ये होगा कुछ इस तरह से उन्होंने ये आपके इसलिए कॉम्प्लेक्स दिए हुए है कि आपको पता हो कि कैसे ड्रॉ करना है क्योंकि आपको कॉर्डिनेशन नंबर सिक्स पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे NH3 आपको फाइव फोर थ्री ऐसे दिए हुए हैं ठीक है ठीके? तो ये आपके कॉम्प्लेक्स रहने वाले हैं अब यहाँ पे मैं ये भी बता देती हूँ देखो यहां पे मैं क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा देती हूँ ठीक है अब आपने तो आंसर कर दिया कि डी होने वाला है क्योंकि डी में आप एजी का प्रेसिपिटेट ही नहीं बनने वाला क्योंकि आयोनाइजेशन स्पेयर में कोई है ही नहीं ठीक है आयोनाइजेशन स्पेयर में कोई है ही नहीं।, नहीं तो सिंपल सी बात है अगर आयोनाइजेशन स्पेयर में कोई नहीं है

तो इस मॉलिकुलर वेट में आपको इतना मिल रहा है तो बताओ कि अब यहाँ पे मान लो इसका एक्स है अब एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करना पड़ेगा उसको टाइम लगेगा मैं सिंपल हाइपोथेटिकली लेती हूँ एक्स है तो एक्स के लिए अगर आपको वन मोल ऑफ एजीसीएल मिल रहा है तो बताओ कि थ्री एक्स के लिए कितना मिलेगा मतलब थ्री एक्स के लिए कितना वेट ऑफ एजीसीएल मिलेगा सही से देखना मैं पूछ रही हूँ कि एक्स के लिए अगर आप एजीसीएल मिल रहा है आपको एजीसीएल का वन मोल ऑफ प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा है एजीसीएल का

सिंपल क्वेश्चन हो गए आप चलते हैं आगे ये वाला क्वेश्चन चलो बताओ ये भी बताए मुझे आप लोग करो, करोगे सही से करोगे इसको अमित कुमार ने बता दिया तीन एजी सही बात है अब बता दो इसका क्या हो सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट बी अगनाइज इन सोल्यूशन इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ cannot बी ionized इन solution चलो इसका भी डी आ गया रंजना डी बता रही है ठीक है रंजना ने बहुत सारे डी बता दिया है ठीक है चलो तो यहाँ पे भी, भी अगर आप देखोगे तो सेम सेम कंसेप्ट है ठीक है सेम कंसेप्ट है तो आपको वंडर होगा कि जब मैं बताऊंगी कि ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से लाया है सो इट ये जो क्वेश्चंस मेरे हैं ये है आपके यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के पेपर में तो आप लोग बताओ आपको पता है कि ये क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ ठीक है फिर हम आगे चलेंगे तो ये और सारे क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो आपके यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के प्री में पूछे गए हैं ठीक है प्री में पूछे गए देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है कैनोट बी आयोनाइज डेफिनेटली जिसके आयोनाइजेशन स्पीयर में कोई नहीं होगा यहाँ पे है यहाँ पे भी है यहां पे भी है तो यहां पे कोई नहीं है इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है ठीक है रंजना हाँ मैम मुझे पता है बहुत अच्छी बात है आप लोगों को पता है इसके बारे में ठीक है चलो तो ये क्वेश्चन मैंने इससे लाए हुए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप डिरेक्टली आंसर कर सकते हो बी वाले स्टूडेंट्स आंसर कर सकते हैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दिस इज आफ्टर एम ठीक है दिस इज आफ्टर एम ठीक है चा, चा। ओ चाचा है चा, इसमें जियो केमिस्ट्री में अरे वाह बहुत अच्छी बात है ठीक है बहुत अच्छी बात है ठीक है तो चलो आज का लेक्चर क्या कर लेते हैं आज का लेक्चर थोड़ा सा यहाँ पे ही खत्म कर देते हैं क्योंकि ग्यारह बजे आपका धीरा सर का लेक्चर है ठीक है ठीक है देखो उनकी सैली नाइन्टी के से स्टार्ट हुई है ठीक है इसका पे स्केल अभी तो नॉर्मल ही रहता है नाइन फाइव सिक्स वन जीरो जीरो नॉर्मल पे है ठीक है नॉर्मल पे है लेकिन बाकी जो बेनिफिट है वो तो अलग ही बात है ठीक है चलो इसके बारे में तो हमें लेक्चर नहीं करेंगे आपके यहाँ अगर कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो ठीक है ठीक है तो आज के लिए इतना ही देख लेते हैं तो आपको जुड़ना है कि 11 बजे धीरा सर का लाइव सेशन होने वाला है जहाँ पे बदलाव हम डिस्कस करेंगे अभी है अभी जस्ट मिनट क्या क्वेश्चन आया है और कुछ क्वेश्चन देखो और कुछ क्वेश्चन में लेने वाली थी ठीक है और कुछ क्वेश्चन में लेने वाली थी लेकिन पॉइंट ये है कि आपको अभी तक मैंने लिगैंड नहीं पढ़ाया है चलो ये वाला क्वेश्चन देख तो देखो ट्राई करो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड अभी तक पढ़ाया नहीं है ओके जस्ट अ मिनट इसलिए चाचा बोलते हैं तुम भी आईआईटी में जाके इसका प्रिपरेशन करना और फिर ओ से डीआरडीओ ओके ओके बहुत अच्छी बात है ओ से डीआरडीओ के लिए आपको गेट बहुत अच्छे ऑल इंडिया रैंक से क्रैक करनी पड़ेगी लेकिन आप करोगे कुड यू प्लीज टेक क्लासेस नाइन नाइन मॉर्निंग ओके हाउ टू किंग फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सारे लोग बताते हैं कि पूरी शर्मा पठानिया में थोड़ा हाँ थोड़े से मिस्टेक है लेकिन पूरी शर्मा पठानिया एक बुक है जहाँ से टोटल फिजिकल केमिस्ट्री आप कवर कर सकते हो ठीक है अदरवाइज आपकी अटकिन तो है ही लेकिन अटकिन पढ़ने से अच्छे कि आप पहले केरल कपूर एंड पूरी शर्मा पठा पूरी शर्मा पठानिया पढ़ लेना क्योंकि अटकिन थोड़ी सी हाई लेवल की है आपको समझ में आएगा लेकिन थोड़ा सा आपको पहले बेसिक कंसेप्ट होना जरूरी है ठीक है अमित कुमार सुन ये वाला देखो ट्राई करो अगर नहीं है तो हम कल देखने ही वाले हैं ठीक है देखने ही वाले कल लेकिन थोड़ा सा ट्राई करो देखते हैं आता है या नहीं आता है आप लोगों को ठीक है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप बेसिक तो क्लियर हो जाएगा बेसिक में क्या है और ये क्वेश्चन आपका बेसिक से ही पूछा गया है देखते हैं आप, आप लोग कैसे आंसर करते हो इसका मेरा पुअर है फिजिकल केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री पुअर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में मैं सजेस्ट करती हूँ कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है अभी अभी तो बहुत टाइम है तो आप तो सारे टॉपिक कवर कर सकते हो आप फिजिकल केमिस्ट्री से कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री में जो पूरी शर्मा पठानिया है ठीक है जनरली बहुत सारे लोग नहीं बताते क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक है उसमें आई एग्री थोड़ी सी मिस्टेक है लेकिन एक बुक है जहाँ पे सारा कवर किया हुआ है तो वो बुक आप रेफर कर सकते हो ठीक है और फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल है एक्चुअली केमिस्ट्री ये सिंपल है सी 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 होगा मैम चलो बता दो हो गई गलती हो गई गलती आपकी बताओ डेंटिसिटी ऑफ ग्लाइसिनेट अब ग्लाइसिनेट तो आपको परफेक्टली पता होगा ठीक है ग्लाइसिनेट तो आपको परफेक्टली पता होगा अगर ग्लाइसिनेट पता है तो आप दो ऑप्शन तो ऐसे इलिमिनेट कर सकते हो हमेशा ध्यान में रखना है ऑप्शन एलिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मैं हमेशा बताती हूँ क्योंकि वो टाइम भी बहुत कम कंज्यूम कर लेती है मैम बुक नहीं है. आए हैं ऑप्शन सी आई थिंक चलो ऑप्शन सी सभी लोग बोल रहे हैं चलो देख लेते हैं द डेंटिसिटी ऑफ लिगेंट ग्लाइसिनेट ग्लाइसिनेट क्या होता है देखो ग्लाइसिनेट होता है आपका ग्लाइसिन ग्लाइसिन होता है आपका ये ठीक है और ग्लाइसिन मतलब करेगा ओ निगेटिव ठीक है तो यहां से क्या करेगा ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है बाइंड कर सकता है यहां से ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है तो इसकी तो डेंटिसिटी दोन है ठीक है तो ये ऑप्शन तो कट ये ऑप्शन तो कट ठीक है अब देखते हैं अब तीन अगर आपने सही से किया हुआ है देखो ये दो ऑप्शन तो मैंने काट दिया अब तीन आपने किया हुआ इसका मतलब इमिनो डायसिटेट इमिनो डायसिटेट इसका मतलब क्या होने वाला है देखो इमिनो डायसिटेट का मतलब क्या होगा ये तो मैंने एसीटेट बना दिया एक डायऐसीट इसका मतलब होगा दो ठीक है और यहां पे होगा एनएच तो यहां से क्या हो जाएगा यहां से बैंड हो सकता है यहाँ से हो सकता है और इस नाइट्रोजन से बैंड हो सकता है ठीक है? तो यहां से तो तीन आने वाला है यहां से तो दो आने वाला है ठीक तो है तो इतना भी भी है देखो, मा, मान लो कि आपको नाइट्रिलो बता नहीं है लेकिन एसिड तो लिख सकते हो ट्राइसिटिक एसिड क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा देखो ओ निगेटिव निगेटिव ओ चलो और नाइट्रोजन के पास तो लोन पे तो रहेगी वो तो डोनेट करेगा तो मतलब एक दो तीन चार तो इसका क्या रहेगा डेंटिसिटी चार रहेगी ना ही थ्री आपने कहां पे मिस कर दिया ट्राई में ट्राई है तो तीन कर तीन कर दिया लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पे आपसे आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन होगा क्योंकि हम ट्रा नाइट्रो वालों को ऐड नहीं किए हैं ठीक है वही वही मैं बता रही नाइट्रिलोड नाइट्रिलो वालों को ऐड नहीं किए तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन हम क्या कल क्या करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड कवर करेंगे कल जिसमें हम सारे जितने भी लिगैंड्स हैं सारा देखेंगे ठीक है सारे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स में ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही देख लेते हैं कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो ग्यारह बजे आपका क्लास रहने वाला है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा धीरज सर का क्लास वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो ठीक है तो टाइमिंग एक बार मैं बता देती हूँ आपको अपडेट किया जाएगा जो भी टाइमिंग रहेगा ठीक है टाइमिंग जो भी रहेगा आपको अपडेट किया जाएगा मैम आपने डरा दिया ठीक है चलो फाइन कुछ प्रॉब्लम नहीं है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड एक बार और और एक बार सही से देखेंगे कब तक आएगी आ, आप आपकी बुक आ जाएगी आपने जब रजिस्टर किया होगा Uh, कब रजिस्टर किया एक बार बताओ आप जिसे मैं भी थोड़ा सा इंक्वायरी कर लूं कि आपकी बुक कभी कहाँ तक तो पहुंची है अरे बहुत अच्छा अरे सिंपल है गेट में रैंक रैंक लाना इतना कुछ अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है आप आई आई टी जाम सही से करो उसी के बेसिस पे थोड़ा सा एडवांस पढ़ोगे आपके गेट की रैंक आ जाएगी मेरे खुद की गेट की रैंक सिक्सटी वन थे ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी वन थी तो अलग से कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है बहुत ही सिंपल है बस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ता है गेट में और सबसे इंपॉर्टेंट गेट में क्या होता है तो न्यूमेरिकल पार्ट न्यूमेरिकल पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है गेट में ठीक है ट्वेंटी टू अक्टूबर को ओके ठीक है तो ट्वेंटी टू अक्टूबर एटलीस्ट एक, एक वीक तो होने दो थोड़ा सा और आपको आ जाएगी इस नवंबर में लास्ट वीक पर आ जाएगी अगर नहीं आई तो आप मुझे बता सकते हो आप मैं आप इंक्वायरी करके बता दूंगी ठीक है अरे डाउन नहीं कर दिया यार नहीं ऐसा नहीं है गेट में देखो जो 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 फैक्ट है वो फैक्ट है अगर ओरेंजे से देखोगे कितनी जगह कितनी जगह होती है फिफ्टी इस बार थर्टी सिक्स आई हुई है ठीक है इस बार थर्टी सिक्स आई हुई है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री के लिए पहले हुआ करता था कि हाँ सेवेंटी एटी आती थी लेकिन अभी कम हो गया है ठीक है तो टॉप फिफ्टी टॉप हंड्रेड में तो आपका आना ही पड़ेगा अगर आपको ओ एन में जाना है ठीक है और डी भी बता देती हूँ डी आर में टेन फिफ्टीन जगह होती है आई में भी फिफ्टीन ट्वेंटी जगह हो जाती है लेकिन वहाँ पर आपको डेफिनेटली ऑल इंडिया रैंक अच्छा अचीव करना ही पड़ेगा तभी आप जा सकते हो जो फैक्ट है वो फैक्ट है ठीक है ठीक है चलो तो आज के लिए इतना ही देख लेते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू एवरीवन हैप्पी लर्निंग